हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आलू और परवल की एक ऐसी सब्जी बनाऊंगी जो कि रोटी पराठा हो या फिर राइस, किसी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत जल्दी भी बनती है और सारे के सारे घर के ही सामान है। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले आपको लेनी है एक कढ़ाई, गैस ऑन करके उसमें आपको डालनी है सरसों का तेल। सरसों के तेल से ना यह ज़्यादा अच्छा बनेगा। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें परवल डाल देंगे। परवल को मैंने इस तरीके से गोल गोल काटा है, आप चाहो तो लंबे लंबे पीसेस भी कर सकते हो। परवल के साथ ही मैंने आलू को भी डाल दी है। आलू मैंने यहाँ पर ली थी 2 मीडियम साइज़ की। अब हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम पे और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। आलू और परवल का जो एक कच्चा सा फ्लेवर होता है वो चली जानी चाहिए। थोड़ी सी नमक डाल देंगे हम और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम पे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत जन करते क्या है दोस्तों, आलू को अलग फ्राई करते हैं और परवल को अलग फ्राई करते हैं। वो भी आप कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो मेरी तरह। तो फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए आपको इसे ढक के पकानी होगी ताकि ये अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी फ्राई हो जाए। तो बस ढक के हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा टाइम नहीं रखनी है, नहीं तो ना ये नीचे से चिपक जाएगी। 3-4 मिनट के बाद ढक्कन को खोलना, एक बार इस तरीके से पलट देना। तो ये तो अभी भी थोड़ा सा कच्चा कच्चा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको फिर एक बार ढक के रखा है, फिर से 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर। अब ये अंदर से पक गई है, लेकिन बाहर से थोड़ा सा फ्राई कर लेना। इस तरह से जैसा कलर आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आएगा, तब तक फ्राई करना। उसके बाद निकाल के साइड में रख देना इसको। और कढ़ाई में अगर तेल थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा सा तेल आप और भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैंने जितना तेल डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है अभी भी। तो उसी तेल में हम डाल देंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे ताकि फ्लेवर निकल के आए। सूखी हुई लाल मिर्च को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बस थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसमें से एक फ्लेवर निकल के आनी स्टार्ट हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच इतना जीरा। जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक काट के डाली है। आप चाहो तो प्याज का ना पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। अब प्याज को जल्दी भूनने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर मिलेगी और नमक से प्याज जल्दी पक जाएगा। अब फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पे रखेंगे। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है दोस्तों, आप देख भी सकते हो। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच इतना लहसुन का पेस्ट और 1 बड़े चम्मच इतना अदरक का पेस्ट। और अब इन अदरक और लहसुन को हम मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो नहीं चली जाती है। 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको मीडियम फ्लेम पर। अदरक और लहसुन अच्छे से पक चुकी है दोस्तों, इसकी बहुत ही एक अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। 1 बड़े चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। ये तीखापन ना आपके ऊपर है, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल सकते हो, कम चाहिए थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। कलर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। थोड़ी सी पानी भी डाल देना ताकि ये जो सूखे मसाले हमने अभी डाले हैं ये कहीं जल ना जाए। फ्लेम को हम अभी रखेंगे मीडियम पे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब टमाटर को तो थोड़ा सा सॉफ्ट करनी है, इसलिए हम इसको ढक के रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लेना। अगर ये देसी वाले टमाटर होंगे तो ये जल्दी पक जाएगी, अगर हाइब्रिड के होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टमाटर को भी मैंने अच्छे से मैश कर दी है। अभी हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई करके रखी हुई परवल और आलू को। फ्लेम को मीडियम पे ही रखना, नहीं तो मसाले नीचे से चिपक जाएंगे। अभी इन आलू और परवल के साथ अब मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू और परवल के अंदर भी तो मसालों का फ्लेवर जानी चाहिए, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों, कोई भी बाहर का
मसाला हम आज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सारे के सारे घर के ही होंगे और आपको नहीं पता है कि ये कितनी जल्दी बनती है। तो बस मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दी है, आप देख भी सकते हो। तो 2-3 मिनट और इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी ना आपको उतना ही डालना है जितना आपको ग्रेवी के लिए चाहिए, क्योंकि ये परवल और आलू ना अच्छे से पक चुकी है। जब हमने फ्राई की थी, ढक ढक के फ्राई की थी ना, तो ये अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई पे ताकि इसमें जल्दी उबाल आ जाए। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगी हम इसमें नमक डाल देंगे। एक बार टेस्ट कर लेना दोस्तों, कितना नमक आपको पसंद है उसी के हिसाब से आप नमक डालना। नमक डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक के हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ये अच्छे से कम्बाइंड हो जाए। ये देखो दोस्तों कितनी प्यारी एक कलर आई है। अभी इसमें ज़्यादा कुछ सामान हम नहीं डालेंगे, बस गैस को बंद कर देना। उसके बाद इसमें डालना थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और डालनी है आपको थोड़ी सी देसी घी, और इसमें कुछ भी नहीं डालनी है, बस अच्छे से मिक्स कर लेनी है और सर्व करनी है। आप इसको एक बार ट्राई करोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगी कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। और आपने देखा भी, हमने ज़्यादा सामान भी नहीं लगाया, सारे के सारे घर के ही सामान है। अब रोटी हो या पराठा या हो पूरी या फिर राइस, किसी के साथ बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार इसको घर पे ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले आलू परवल की सब्ज़ी कैसी बनी है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।